पूरे भीग गए पूरे, ठीक है, बैग का एक बैग की सेफ्टी में था। तो जी ये देखो, ये पानी साफ, ये पानी थोड़ा कल साफ था। सो हे गाइस, क्या हाल, होप सो बढ़िया, और मैं भी मस्त हूँ, मस्त है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है। दो और जने मेरे साथ। तो आज की वीडियो कैंपिंग की होने वाली है भाई, मस्त जगह जाने वाले हैं। चाचू और आगे जा रखे हैं और पीछे से चाचू और जो दूसरे चाचू वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कितने बंदे आ रहे हैं? तीन बंदे ना, तीन बंदे और आ रहे हैं। तो अभी सामान वामान सारा रेडी हो गया, बाहर में रखा हुआ है, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो जी घर से निकल गए, अभी हम मांग पानी पहुँच चुके हैं और साथ के लोग भी आ रहे हैं अभी पीछे से। तो दो भाई जी नए शामिल हो रखे हमारे ग्रुप में, जो कि चंडीगढ़ से आ रखे हैं। भाई जी एक बार हाय कर दो। हाय। नाम भी बता दो भाई जी। मेरा नाम है गफी। गफी अभिषेक। चंडीगढ़ से? चंबा। अच्छा, एक भाई चंडीगढ़ से, एक चंबा से। और बारिश भी लगी पड़ी है और कोहरा, देखो जो व्यू दिखना था वो दिख नहीं रहा, सारा इसने कैप्चर कर लिया। तो जी यहाँ से जल्दी से हम निकल गए, थोड़ा सा आगे आ गए और चले गए कुछ बंदे आगे, दो राहुल और मैं रह रखे हैं, वो अपनी पैंट सही कर रहा है। तो निकल रहे हैं, बारिश भी लग रही है बहुत भयंकर, पैंट में पैंट में कंफर्टेबल ही नहीं बैठ रहा यार, पूरे ने पूरा ढक रखा है। तो जल्दी जल्दी उन्हें पकड़ना है, आगे की तरफ निकल गए। तो चलो तो गाइस बारिश बहुत तेज लग रही है, मैं कैमरा निकाल पा रहा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे निकाला थोड़ा बता दूँ आपको कि ज़्यादा सूट मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि बारिश लग रही है, और कभी कभी दिखाने के मैं दिखा दूँगा, ठीक है, बुरा मत मानना। अब जंगल वाला रास्ता स्टार्ट हो गया भाई साहब, खौफना। और आगे सबसे तेज तुम्हारा भाई, सबसे आगे, और सारे पीछे से आ रहे हैं। जंगल वाला रास्ता देख लो भाई साहब, देख ही लो तुम। पूरा हल्ला करके चलना होता है कि ताकि कोई जानवर ना आए एकदम से सामने। जंगल भाई साहब वैसे पूरा पजामा गीला हो गया, झाड़ियों में इतने वो हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, गीले हो रही है ना झाड़ियाँ। तो इस वजह वहीं नीचे यहाँ देख लो ना आप, क्या सीन हो रहा है इधर, दिखी वो बेटे दिख ही नहीं रहा कुछ इस जंगल में। कैमरा मैंने ऊपर रख रखा ताकि गीला ना हो कैमरा, ऊपर से बारिश, नीचे बारिश तो उतनी खैर नहीं लग रही जितनी ये घास, सारा पजामा गीला हो गया जितना ये घास कर रही है। तो जी जैसा बताया कि चल गो तो मैं पहुंच चुका है, और सिस्टम देखो ऐसा करता है, सारा सामान बरसात के नीचे ये बुबू। अब सारे जन पहुंच चुके हैं यहाँ पे, बारिश ने सारा सिस्टम खराब कर दिया। तो चल गो से हमने प्रस्थान शुरू कर दिया, अब सीधा रुकेंगे हम, सीधा सीन दिखाऊंगा मैं वहाँ का, क्या बोलते हैं बुराठी का। तो जी ये पत्थर के नीचे रुके पड़े, इसे उड़ार बोलते हैं, यहाँ पे बारिश थोड़ा कम लग रही है। और जंगल भी देखो इतना घना जंगल है ना, ये ऊपर का कुछ दिख ही नहीं रहा, ये चाचू और भी आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा रुके मैं, मतलब बाहर भारी बोलेंगे, अब भयंकर बारिश लग गई। तो ना जहाँ पे रेस्ट किया था ना वहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ गए हम, काफ़ी आगे आ गए, और साथ के जन ये आ रहे। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है भाई जी? बढ़िया एकदम। अब दो अभी आ रहे हैं नीचे से। तो जी बुराठी पहुँच गए, साथ वाले हमने पहले से पहुँच रखे, अब दो एकदम पीछे आराम आराम से होले होले चल रहे। गाइस गाइस और गाइस, बुराठी से निकल गए, 15 लीटर का कैन चल रहा है। मैंने मेरी हालत खराब कर दी, मैं इसलिए बुलाया मेरे को यहाँ दिल्ली से पानी सारने आ रखा है, 15 लीटर का खतरनाक सीन हो रखा है। बारिश ने बारिश को गालियाँ पड़ दिया यहाँ। तो गाइस आप मेरे पीछे ना जंगल देख सकते हो, कितना खतरनाक जंगल है,
और एक कोहरा भी लग गया है, तो रास्ते ढूंढने में ना बहुत दिक्कत हो रही है। कोहरा ना होता तो सामने दिख जाता, कोहरे ने एकदम बारिश ने तो और हालत ख़राब कर दी भयंकर। जंगल कुछ चारों तरफ जंगल ही जंगल भयंकर। तो गाइस ये लोकेशन पे शायद पहुंच चुके हम। हमें थोड़ा आगे जाना है। हमने तो जी लोकेशन वाली जगह पे पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस साइड में। लोकेशन थोड़ी देर बाद दिखाते हैं क्योंकि भीग गए, और पहले टेंट का सेटअप करते हैं, ठीक है। तो जी अपना कैंप सेटअप पूरा सेट लग गया है देखो, और यहाँ पे अपनी आग भी जल गई मस्त ढंग से, और सारे लोग भाई मस्त हल्की 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 बूंदे बांदे हो रही है, और आग भी जला दी देखो ऐसे सिचुएशन में। अरे यहाँ पे प्याज टमाटर कटता है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो जी ये हमारी मैगी बन रही है, और अंदर रखे हमने आलू बढ़ियाने के लिए, आलू कोहरा बनाने के लिए। ये देखो ये डाले इसमें लहसुन। तो जी ये आलू रखा था पकाने के लिए अंगारों में, ये दूसरा, ये देखो इतने टेस्टी हो रहे ना, दो तीन आलू तो हमने ऐसे खा लिए। एकदम पीस रखा है इसमें लहसुन वगैरह सब कुछ है। एक नंबर स्वाद यहाँ मैगी बनी गई है कुकर में। तो जी ये हो रही है मैगी सर्व मस्त ढंग से, गिलास गल गया पूरा। तो जी ये जा रहे हम लकड़ी लेने, और उस साइड मौसम पूरा साफ हो गया है, हिमालयन व्यू भी दिखेगा अगर पूरा साफ हो गया जो वहाँ पे बढ़िया। यहाँ देखो कितनी शानदार जगह भाई साहब, बिल्कुल शानदार। तो जी ये देखो लकड़ियाँ तुरंत मिल रही है, सारी टूटी पड़ी है बस करण करनी है ना, फिर एकदम से मस्त जलेगी। ये देखो इतनी बड़ी लकड़ी है, ये दो बंदे ले जा रहे हैं इस लकड़ी को। बहुत अच्छा मान के रखे। तो जी दो कैंप में, चाचू और उस वाले कैंप में, और हम इस वाले कैंप में। ये देखो ठीक है, तो अब खाना सर्व हो रहा है हमारा, और भाई पानी वो पाँव देखो पूरे सफेद हो गए। ये देखो गाइस पाँव, भाई इसके पाँव देखो पूरे सफेद, मतलब पानी से कट कट के भाई ऐसा सीन हो रहा है। तो अभी हम खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आग अपनी मस्त ढंग से जली हुई देखो बाहर। मैं सर्व करूं? ऊपर कर दो। ये देखो मैं सर्व करूं खाने? बिल्कुल कर भाई, कर भाई कर। तो जी खाना सर्व हो गया, ये अचार खाना खाते फिर मिलते हैं आपसे। तो जी खाना पीना एकदम मस्त ढंग से हो गया, और कुछ बाहर पे अभी, और हम दोनों अंदर। तो अब हम सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह। अभी के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल, होप सो बढ़िया। और सुबह के बज रहे हैं 6:15, और पीछे अपना टेंट, तो सारे के सारे जन उठ गए हैं, और कुछ लोग फ्रेश होने जा रहे हैं जंगलों में बोतल लेके। और मौसम अभी साफ हो रखा है, ये चेक करो। और उस साइड अभी कोहरा ना, तो यहाँ से अभी त्रिशूल पर्वत के भी दर्शन होते हैं, और आपका ये जो पवाली कांट है ना, पवाली कांटे की भी चोटी दिखती है यहाँ से। और इस साइड आसमान साफ है वो सामने, और नीचे कोहरा लगा पड़ा है पूरे जंगल में। और सबसे टॉप पे बैठ रखे, एक टॉप हुआ है वो पेड़ी का डांडा, ऊपर हमसे ऊपर है वो, लेकिन इस जगह पे हम ऊपर हैं। तो ये टेंट का कुछ ऐसा सीन है, ये देखो दो लग रखे थे मस्त ढंग से। रात भर इतनी भयंकर बारिश हुई ना, बहुत भयंकर। वैसे हमने वो क्या बोलते हैं
ऊपर से जो बरसाती बेचारे के थे उसमें थोड़े छेद छेद थे सारे भीग गए हम। अब ये जूते पजामे वजामे सब सूख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मिलते हम, पहले आगे पानी है और पानी में हमने बर्तन धोना है। ठीक, मिलते हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी मूवी ने धुला मैंने और हम जा रहे हैं बर्तन धोने। तो वो साइड ना कुछ बर्फ़ की चोटी दिख रही है। भाई जी कह रहे हैं कि वो नाग पर्वत है, नाग पर्वत आई थिंक, या फिर बंदरपूंछ भी हो सकता है पर्वत। यहाँ से मतलब बहुत से ऐसे पर्वत की चोटी दिखती है, जैसे पवाली कांठा हो गया, बंदरपूंछ, और ये काला नाग, और ये त्रिशूल पर्वत भी दिखता है यहाँ से। इतना क्लियर नज़ारा ना, अभी बस ये कोहरा हट जाए ना, ये जितना आगे बादल वादल छा रखे, और नीचे गाँव, और वो देखो वहाँ पे बर्फ की चोटियाँ। भाई कितनी प्यारी लग रही है, अगर आपको कैमरे में दिख रही होगी तो। और यहाँ पे हम आगे पानी भरने जा रहे हैं, घास ही घास। तो जी ये देखो पानी एकदम साफ था कल, और देखो इस साइड साफ पानी है यहाँ पे, और ये थोड़ा कल तो बल्द हो गया। और वहाँ पे भी पानी है, वो ले जा रहा है कांच की बोतल में पानी भर रहा है फ्रेश होने के लिए, ये चले बोतल ले गए। तो जी पूरा सूजा सूजा लग रहा है, और ये पानी को हम, जो ये वाला पानी है ना, इसे हम पीने के लिए यूज़ करेंगे, इस साइड वाला, वो वाला नहीं, इस साइड वाला। तो पीने के लिए तरीके से यूज़ करेंगे, इससे पहले ये वाटर प्लास्टिक बैग में भरेंगे, फिर इसे आगे जाएंगे गर्म करके, फिर वापस इसमें डब्बे में डालेंगे। यार दिक्कत कर रहा है, तो अभी कैमरे को बंद करके आगे सीन आपको दिखाते हैं। तो जी वो देखो, ये सामने बारिश आ रही है अब, और लकड़ियाँ भी इतनी बची पड़ी अब। ये देखो अभी पहले एक राउंड लकड़ी का लाना है, वहाँ से बारिश आई है, फिर से इसमें वो डालना है बरसाती ऊपर से, फिर इसके अंदर छुप जाएंगे अब। तो जी ये बन रहा हमारा लंच, और टाइम हो रहा है 10:12, और चाचू और सब आ गए टेंट से बाहर, और बारिश की सुबह से उसने बारिश ने हमारी हालत ख़राब कर रखी है भाई। शुक्र आग भी जल रही है, कल से आग जली रही है भयंकर। गर्म हो आज भी पलाओ, आलू कट गए, बस बियर तक दौड़ नहीं है, पीछे था पानी का जो खुटबुला था वहाँ पे गंदा सा हो गया बारिश की वजह से, ऐसा कह रहे एक आगे है ना, तो वहाँ से भर के ला रहा हूँ मैं। तो जी अभी पानी लेने जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे बताया था इन्होंने, इधर उधर देख देख के जाना होगा किधर है पानी किधर है पानी। यहाँ तो जंगल ही जंगल है भाई साहब, अच्छा ये रहा पानी, ओहो कितना साफ पानी है। अब ये पीने के लिए होगा हमारे लिए, हम तो पूरे मैन वर्सेस वाइल्ड बन गए भाई साहब। एक गिलास, ये पानी पीने के लिए होगा क्योंकि ऊपर पानी नहीं है अब। तो ये पानी देख रहे हो कितना साफ है, तो जी पानी भर के वापस जा रहा हूँ मैं कैंप की तरफ, अपने बेस कैंप की तरफ। पानी एकदम साफ है, बिल्कुल साफ। हाँ बिल्कुल साफ। तो जी खाना पीना खा के अब
बारिश भी रुक गई है और हमारी नींद भी पूरी हो गई है और सामने का सीन कुछ इस तरीके से। धूप भी आने वाली है, पहले अपने टेंट्स को संभाल सुखाते हैं, फिर इसे संभालेंगे, फिर निकलेंगे हम यहाँ से। तब तक के लिए गुड नाइट। तो जी एक टेंट हमने समेट लिया है और ये टेंट बचा हुआ है समेटने के लिए और समय और अभी 3:13। तो अब यहाँ से हम घर निकल रहे हैं। लगभग सारा सामान हमने पैक कर दिया है, बस ये टेंट बचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। और सारा आसमान साफ हो गया और वो आपको दिख रहा है, वो देखो वो खेट पर्वत है। खेट पर्वत से भी काफ़ी हाइट पे हम, वो सामने। तो जी पैकिंग वैकिंग हो गई है हमारी। हमारा बिल्कुल घर जाने का मन नहीं हो रहा है भाई। धूप इतनी प्यारी से आ गई ना, आप पीछे का व्यू भी देख सकते हो, बड़ा खतरनाक है। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं, राशन छक पक है अभी भी बैग में, एक टाइम का खाना भी है बैग में, चावल। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, चाचू और आगे चले गए, हम भी निकलते हैं। तो जी कैंप वाली जगह से हम निकल चुके हैं, अपना सारा सामान पैक करके अब घर की तरफ जा रहे हैं। जंगली जंगल, सबसे पहले बुराठी में पहुंचना हमने, वहाँ पहुंच जाए ना। ये देखो सीन देखो, ये गजब। ये चल रहे हम काफ़ी नीचे आ गए और जंगली जंगल में। अगर आप यहाँ के लोकल नहीं हो ना तो आप यहाँ रास्ता भी भटक सकते हो इस जंगल में। बड़ा घना जंगल है, मतलब हर जगह ना रास्ते निकल रहे हैं, हर जगह। तो जी अब घर पहुंचने वाले हैं। ये देखो क्या प्यारा नज़ारा है।